नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और आज हम रेवाड़ी की पंजाबी मार्केट में पहुंचे हैं जहां चिरंजीव राव डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। साथ ही चिरंजीव राव की तरफ से एक एफिडेविट भी जारी किया गया है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो नेताओं के जो वादे होते हैं, घोषणाएं होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि पूरे नहीं करते, उनके वादे झूठे होते हैं। लेकिन इस बार पहली बार चिरंजीव राव ने एफिडेविट पर ये घोषणा की है, जो घोषणाएं कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये एफिडेविट जारी क्यों करना पड़ा, क्योंकि अमूमन देखते हैं कि जनता भरोसा नहीं करती। नेता बहुत क्या करते हैं कि बोल देते हैं पर उसको पूरा नहीं करते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो कहता हूं वो करता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो जनता है ये देखे भी कि क्या हम एफिडेविट अपना दे रहे हैं। आज शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी की वजह से लोग परेशान हैं, बस स्टैंड हमारे नहीं बन पाए, ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है, आज हमारी यूनिवर्सिटी के हालात खराब हैं, मुख्य चौराहों पर आप देखते हैं रेड लाइट नहीं लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम लेके आए हैं। रेवाड़ी और धारड़ा का बस स्टैंड है, बॉयज़ कॉलेज का निर्माण कराना, हमारे सेक्टर 4 में मॉडल संस्कृत स्कूल का निर्माण कराना, हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाना, ऐसी हमारे 14 डिमांड है जिनको हम लोग रख रहे हैं, जिसको हम पूरा करेंगे। अभी शहर में आप डोर टू डोर कर रहे हैं, पंजाबी मार्केट की बड़ी समस्या है, पिछले दिनों आपने देखी होगी, मेन बाजार की भी आपने देखा, मेन बाजार की भी समस्या इसी तरह से, वाटर लॉगिंग की दिक्कत है, सड़क टूटी हुई है जी। देखिए, इस बात का मुझे दुख भी होता है कि पिछले 10 साल में एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है जिस दौरान बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारे 14 ये बड़े कार्य हैं जो लेके आ रहे हैं, हम लोग इसको पूरा करने का काम करेंगे 5 साल के अंदर। ये मैं पब्लिक को अपना एफिडेविट दे रहा हूँ। तो लगातार जो विरोधी है वो आप पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने साल से एक ही परिवार राज करता रहा। देखिए, हमने काम किया ना, तभी तो लोगों ने बनाया, अगर कोई एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनता है। मेरे पिता लगातार 6 बार बने, मेरे दादाजी 3 बार बने, क्योंकि हमने लोगों के बीच में रहे, लोगों के लिए काम किया और इसी तर्ज के ऊपर हम काम कर रहे। काम करने वाले को बनाएगा, जो उसने काम ना किया होता उसको जनता नकारती है। अब जैसे लक्ष्मण यादव जी हैं, उनको कोसली की जनता ने नकार दिया था, तभी तो उनको रेवाड़ी भेज दिया, उनको यहाँ पर पैराशूट के जरिए से भेज दिया और पैराशूट का जो वो है वो उड़ गया है उनका। एक कोसली के अंदर जो पूर्व मंत्री है विक्रम यादव, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, चर्चा ये थी कि कांग्रेस में शामिल होंगे, या फिर एक जो पार्षद है उन्होंने भी शायद इस्तीफा दिया है। रेवाड़ी से रणधीर सिंह कापड़ीवास भी अभी साइलेंट है कि अभी खुले तौर पर रणधीर चौकन जी है जिन्होंने नगर परिषद का चुनाव लड़ा था बसपा के टिकट के ऊपर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा आप देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज 31 में से 18 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। जो रणधीर सिंह कापड़ीवास रेवाड़ी में बीजेपी के साथ नहीं है, तो क्या लगता है कितना उनका प्रभाव पड़ेगा और किस तरह? अब देखिए, राव रणधीर सिंह कापड़ीवास इस इलाके के कद्दावर नेता हैं, अब वो बीजेपी के साथ हैं या कहाँ उनको जाना है, बीजेपी के साथ तो है नहीं क्योंकि वो नज़र नहीं आए, पर मुझे लगता है उसका फैसला तो वो स्वयं करेंगे। आज राव इंद्रजीत भी 2 सभाएं कर रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा में, क्योंकि अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ सभा कर रहे हैं, सो उन्होंने सभा पहले भी करी है, अब इस तो जनता ने इस बात का फैसला करना है कि, और लोगों ने हमेशा अपना प्यार दिया, आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह पब्लिक अपना आशीर्वाद देगी। एक अनाज मंडी की किसानों का एक बड़ा मुद्दा है चुनाव के अंदर भी, अभी अनाज मंडी में अभी भी किसान परेशान है, लाइन में लगे हुए हैं। मुझे दुख होता है कि किसानों के साथ कितनी ज़्यादा दुख तकलीफें रहती है मंडी के अंदर, आप देखे समय पे उनको बीज नहीं मिलते हैं, उठाव नहीं हो पाता है, MSP का दाम नहीं मिल पाता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी काम करेगी ताकि उनको दुख तकलीफ ना हो। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बार रेवाड़ी से जो कांग्रेस उम्मीदवार है चिरंजीव राव, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, अमूमन देखा जाता है कि जो नेताओं के जो वादे हैं वो झूठे साबित होते हैं, जनता नाराज रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने एक शपथ पत्र जारी किया है जिस पर जनता भरोसा करे। ऐसे में देखना होगा कि जब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा तो चिरंजीव राव के पक्ष में कितना मतदान होता है। विनोद अरोड़ा पंजाबी, क्या कहेंगे जो एफिडेविट जारी किया है अब के बार? चिरंजीव राव ने जो एफिडेविट किया है ये अपने वादे पे खरे उतरेंगे और ये हमेशा खरे उतरे हैं और आज भी खरे उतरेंगे। मैं पंजाबी मार्केट का प्रधान सरदार बलबीर सिंह मल्होत्रा, हमारी मार्केट में चिरंजीव राव जी आए, इनका हम स्वागत करते हैं तहे दिल से, और मैं चिरंजीव राव से एक ही डिमांड रखता हूँ कि हमारी जो मार्केट, इसको बोलते हैं दिल्ली का कनाड प्लेस, और इतनी भीड़ रहती है, लेडीज मार्केट है, यहाँ पर हर हफ्ते 15 दिन में जेब कटते हैं, तो मैं इनसे यही प्रार्थना करता हूँ, चिरंजीव राव जी आप इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले इस मार्केट के अंदर CCTV कैमरे का प्रबंध कराएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारी एक यही है, बाकी पूरी मार्केट बहुत सुंदर है हमारी, और हम भी आपके पूरा साथ है, पूरा साथ है, हम हाथ के साथ है, हम हाथ के पूरा साथ है, ठीक है ना? ये जहाँ जो हमारे बेटा जहाँ मेरा आज बैठा हुआ है, ये पंजाबी मार्केट, ये मेरा वार्ड है,
मैं स्पेशल दोनों प्रधानों को मैंने कहा साथ देना है, सच्चे मन से साथ देंगे, मैं बेटा आ रहा है। प्लस ये जो एफिडेविट जो दिया गया है, किसी और ने दिया है एफिडेविट? नहीं दिया, ये क्यों दे रहे हैं? कल यदि मैं काम नहीं करता ये एफिडेविट देकर मेरे मुंह पे आप लगा के बात कर सकते हैं, बाकी कोई यहाँ नहीं मिलेगा, कोई एफिडेविट नहीं, कोई कर्ची पर्ची सब ये भाग जाएंगे, कोई मैदान में नहीं आएगा। बता देता हूँ बाबा जी, ये हमारा बेटा एफिडेविट इसलिए है और मेरे वार्ड के अंदर है, और ये सारे भाई मेरे प्रेमी दिल खोल के साथ देंगे।